Yali? Merican, welcome. बहुत शुक्रिया. अच्छा तो सब खैरियत है? हद करते हो तुम भी. मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई हूँ. डिनर भी रेडी किया है. अम्मी भी घर पे नहीं है. बहुत खूबसूरत लग रही हो. थैंक यू डियर. क्या पकाया तुमने? तुम्हारी पसंदीदा डिश कोफ्ते बनाए हैं, वो भी आलू के साथ. आज तो मजा आ गया. मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर साथ खाते हैं. जबरदस्त यार, बहुत अच्छा बनाया है ये. बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जान. देखो तो, मैं तुम्हें इतने दिनों से कितना मिस कर रहा था. ये तुम कैसी बात कर रहे हो तौरान? अम्मी सिर्फ 2 दिन यहाँ रह के गई और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे वक्त गुजारे बहुत अरसा हो गया. मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे यार? हाँ चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ. अम्मी कुछ ज्यादा बोल देती हैं और थोड़ी सख्त बातें भी कर देती हैं कभी कभी, लेकिन उनका कहना सही भी तो है. तुम नहीं समझते कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? इसी में हमारे लिए बेहतरी है तौरान. लोग अब तरह तरह की बातें करते हैं. आखिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? हमारी शादी हो जाएगी तो लोगों की जुबान खुद बंद हो जाएगी. मुझे तुम्हारे अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए. अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं. हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं ताकि सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएं. याले बोलो मेरी जान. ऐसा नहीं हो सकता. क्या हमारी शादी नहीं हो सकती? क्योंकि मैं शादीशुदा हूं. किताबें इधर उधर रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है शायद. याले, याले, जल्दी आओ, जल्दी आओ, याले को कुछ हो गया है. फिजा, क्या हुआ है? याले इतना रो क्यों रही है आखिर? मुझे कैसे मालूम होगा आंटी, क्या मैंने उनके घर में कैमरा लगा के रखा है? जाए यहाँ से. याले, याले. देखो इन्होंने पहले भी यही किया. हाँ यार, याले, याले दरवाजा खोलो. याले बात तो सुनो. तो बता दिया आपने. क्या हुआ, कोई मसला चल रहा है क्या? यार अगर कोई बात है तो बताओ. याले, याले, मेरी जान खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुनो. हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना. फिजा प्लीज मुझे कहीं ले जाओ, मुझे कहीं दूर ले जाओ. याले कहीं और जाने की क्या जरूरत है, मेरे साथ मेरे घर चलो. आयशा आंटी कोई तमाशा नहीं चल रहा, प्लीज अंदर चली जाएं. यार याले खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुन लो. अल्लाह खरक करे मुझे क्यों बताया. अमीन